नाबालिग पर डंडे का जोर चलाते पुलिसकर्मी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी उसे पीट रहा है। वायरल वीडियो के सच से पर्दा हटाने के लिए हमने वीडियो की पड़ताल की। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस वाला मानवता की सारी हदें पार करते हुए एक नाबालिग की डंडे से जमकर पिटाई कर रहा है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सहारनपुर में नाबालिग को पीटते बेरहम पुलिस वाले, लिहाजा वायरल वीडियो की हमने पड़ताल शुरू की। अपनी पड़ताल को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपको भी वो वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वर्दी के रौब के चलते पुलिसकर्मी नाबालिग पर अपनी ताकत का जोर आजमाने लगे। नाबालिग पर पुलिस डंडे बरसा रही है और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा है, रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन पुलिसकर्मी का दिल नहीं पसीजा, वो उसे छिड़क देता है। वायरल वीडियो सहारनपुर में किस जगह का हो सकता है, इसके लिए जब हमने वीडियो की गहनता से पड़ताल की तो हमें पहली ही नजर में वीडियो रेलवे स्टेशन का नजर आया। वीडियो में कुछ लोग बाहर की ओर लेटे हुए भी नजर आ रहे थे, लिहाजा हमने अंदाजा लगाया ये लोग अपनी ट्रेन के इंतजार में होंगे। और इस जानकारी के साथ हमने वीडियो का सच सामने लाने के लिए सहारनपुर के लिए टीम रवाना की। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक नाबालिग बच्चे को पुलिस वाले पीट रहे हैं। हम इसकी पड़ताल करते करते पहुंचे हैं सहारनपुर। यह पता चला है यह वीडियो वायरल सहारनपुर से हुआ था। आइए जानते हैं इसका सत्य क्या है। सहारनपुर पहुंचने के बाद हमने सीधे रेलवे स्टेशन का रुख किया और स्थानीय लोगों को वायरल वीडियो दिखाकर जानकारी की, तो पता चला कि वायरल वीडियो इसी स्टेशन का है और रात के समय एक नाबालिग को पुलिस ने डंडों से पीटा था। नाबालिग की पिटाई का किसी ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। हम इस वीडियो की पड़ताल करते करते पहुंचे हैं सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह वो जगह है जहां पर उस नाबालिग बच्ची के साथ पिटाई की गई, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यह वो रेलवे इंक्वायरी है जहां के सामने वह बालक सो रहा, बच्चा सो रहा था। कुछ पुलिस वालों ने आकर उसे डंडों से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते उस बच्चे को इस मेन गेट से धक्का दे के बाहर निकाला गया। आइए, हमारे साथ इस समय मौजूद है यहाँ पर कुछ व्यक्ति, जिनसे पता करें इसका क्या सत्य है। जो पुलिस वालों ने ये जो हरकत करी है, ये कोई अच्छी हरकत नहीं करी है। छोटे बच्चों को मारना कोई अच्छी बात नहीं है। हम 3 दिन पहले यहाँ से गुजर रहे थे तो पुलिस वाले जैसे ही है, उन्होंने एक पुलिस वाले ने लड़के को मारना शुरू किया, उसके साथ 3-4 पुलिस वाले और आए, उन्होंने भी उसे मारा। ये हम इस चीज की घोर निंदा करते हैं। यहाँ पर बच्चे को, ये जगह थी वहाँ जब बच्चे को मार रहे थे पुलिस वाले। आपने कुछ देखा? जी हाँ, मैं यहाँ पूछताछ केंद्र पर किसी बात पर काम से आया था यहाँ पर, तो मैंने यहाँ देखा एक छोटा सा नाबालिग बच्चा था, उसके साथ पुलिस वाले मारपीट कर रहे थे। ये पुलिस प्रशासन की अच्छी बात नहीं है। तो छोटा बच्चा था, नाबालिग बच्चा था, उसके ऊपर बहुत मारपीट करी उन्होंने, और मारपीट करने के बाद भी उसे पता नहीं कहाँ कहाँ इधर उधर खींचते फिरे थे। ये उनकी कोई अच्छी बात नहीं है, पुलिस प्रशासन के लिए बहुत गलत बात है। इस तरह से पिटाई नहीं करनी चाहिए और अपने हाथों पे थोड़ा अंकुश रखना चाहिए प्रशासन। स्थानीय लोगों ने नाबालिग को पीटे जाने की निंदा की, तो वहीं स्टेशन पर कई लोगों ने पुलिस के इस रवैये पर अपनी नाराजगी दिखाई। हमारी पड़ताल में भी वायरल वीडियो का सच सामने आ गया। डंडे से नाबालिग को पीटते पुलिसकर्मी का वायरल वीडियो सही है। वायरल वीडियो सहारनपुर के रेलवे स्टेशन का है। पुलिसकर्मी का वर्दी का रौब दिखाकर पीटना निहायत ही गलत और शर्मनाक है। मानवाधिकार को तो मानो नाबालिग पर डंडे बरसाते पुलिसकर्मी ने अपने पैरों तले रौंदने का बीड़ा उठा रखा हो। स्टेशन पर कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा था कि पुलिसकर्मियों को लाठी चार्ज का ऑर्डर मिला हो। समझा बुझा कर भी बात की जा सकती थी, लेकिन इस तरह की घटनाएं पुलिस के प्रति खौफ ही पैदा करती है, ना कि मित्रता का भाव। लिहाजा ऐसी घटनाएं ना हो, इस पर प्रशासन को कड़ाई से ध्यान देना होगा। हमारी पड़ताल में भी नाबालिग को पीटते पुलिसकर्मी का वायरल वीडियो सच निकला। वीडियो की पड़ताल करते करते हम पहुंचे सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर। यहां पर हमने लोगों से बात करी, पता चला यह वीडियो इसी स्टेशन से वायरल किया गया है और हमारी पड़ताल में यह वीडियो वायरल सत्य पाया गया। सहारनपुर से समाचार प्लस के लिए धर्मेंद्र चौधरी।